हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2019। जो फर्स्ट टायर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसको ही रिजल्ट को लेके काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है कि अब आने वाला है। पहले सुनने को आया 22 अक्टूबर को आने वाला है, फिर उसके बाद 29 अक्टूबर को आने वाला है। तो ये सारे खबरें हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। रिजल्ट यहाँ पे पोस्टपोन होते आ रहा है, ये सबको पता है क्यों पोस्टपोन हो रहा है, क्योंकि इलेक्शंस हुआ उसके रिजल्ट्स 24 को थे। तो इस तरीके से बहुत सारे रीज़न की वजह से, हर चीज़ों की वजह से इस तरीके से कैंसिल किए जा रहे हैं एग्ज़ाम को आपके, मतलब कुछ एग्ज़ाम्स को भी अभी तक तो पोस्टपोन किया है, एंड प्लस रिजल्ट को सबसे ज़्यादा पोस्टपोन किया जा रहा है। अभी तीन लोगों का यहाँ पे, मतलब तीन डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स को निकालना बाकी। एक तो DRDO है, एक तो आर्मी ऑडियंस है और SSC MTS है। ये तीनों का अभी तक रिजल्ट्स नहीं निकल के आ रहे हैं, पोस्टपोन ही होते जा रहा है। आप सबको पता है सबके यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद सर्वर किया, बहुत सारे उनके खुद के रीजन्स के वजह से ये रिजल्ट्स अभी तक निकल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमें साइट पर ये सुनने को आया है कि अब इसके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं। सबको पता है 5 नवंबर को आने वाला है, ठीक है। इसका रिजल्ट्स क्या डेट दिया गया है, 5 नवंबर को इसका डेट दिया गया है यहाँ पे। तो अभी हमें ये पता चल गया कि चलो 5 नवंबर को इसका क्या है, क्या रिज़ल्ट आने वाला है, पर इसका टाइमिंग क्या है, कब आने वाला है, किस टाइम पे इसके रिज़ल्ट आएंगे, ये किसी को नहीं पता है। तो हम लोगों ने सारे ऑब्जर्वेशन 2-3 साल के यहाँ पे देखा, क्या टाइमिंग, क्या रिज़ल्ट है। इस तरीके सब कुछ देखने के बाद ये डिटेल्स मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला आपको बताने के लिए। स्मार्ट नौकरी चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए पूरा लेटेस्ट सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट एटलीस्ट कोशिश करता है फर्स्ट टू फर्स्ट आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन दे। तो चलते हैं मेन बात पे यहाँ पे कि एग्जैक्ट मेन बात यहाँ पे है क्या, ठीक है, क्या टाइम एग्जैक्ट है। यहाँ पे इसलिए मैंने टाइम लिखा है कि एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे है क्या, कब रिजल्ट, मतलब कौन से टाइम पे निकल के आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो टाइमिंग यहाँ पे, मॉर्निंग 5 PM या इवनिंग 5 PM, ठीक है। SSC MTS के रिजल्ट्स को आप 2-3 साल का चेक कर लीजिए, उसमें हमेशा यही निकालता है, स्पेशली गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी है उनका रिजल्ट्स का टाइमिंग यही होता है, या फिर मॉर्निंग 5 PM को निकाल 5 AM को निकालेंगे। मतलब आज ही सजे से कुछ कोई चीज़ होता है ना कि हम लोग सब कुछ सेट करके रखते हैं, जिससे अलार्म होता है, ठीक है। अलार्म कैसे करते हैं, एग्जैक्ट एक टाइम पे सेव करके सुबह के टाइम को हम लोग सेव करके रख देते हैं, फिर सुबह उसके 6 बजे वो अपने आप बजने लगता है। वैसे ही गवर्नमेंट का भी एक फिक्स शेड्यूल होता है, अब कोई सुबह के 5 बजे उठ के तो रिजल्ट डालेगा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। वो रात से जो भी डिपार्टमेंट का होता है वो पर्सन क्या करता है, जिसको रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रहती है वो पर्सन PC लैपटॉप पे वो टाइमिंग डाल देता है सुबह के 5 AM को, और वो अपने आप 5 AM मतलब होना स्टार्ट कर देता है। ये बात अलग है कि 5 AM जब होना स्टार्ट करता है थोड़ा सर्वर डाउन होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और जिसको सबको पता होता फटाफट सब लोग सर्वर चेक करने लगते हैं, तो 5 AM को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, इवनिंग के 5 PM को डालते हैं। बस यही दोनों टाइम है, आप चेक कर लीजिए 2-3 साल के रिजल्ट्स को, यही दोनों टाइम पे ही आपके रिजल्ट्स आने के यहाँ पे चांसेस हैं, जो 5 नवंबर को एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी कि टाइमिंग क्या है आपके रिजल्ट्स के आने के, एंड इसके आप सबको पता है। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ यहाँ पे, 5 नवंबर को रिजल्ट्स का यहाँ पे डेट दिया है, बट अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की लगता है पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि दूसरे चीज़ों के बहुत सारे यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये भी पोस्टपोन होने के थोड़े से चांसेस यहाँ पे है। तो मेरा मानना यही है कि देखो इसके बाद आप सबको पता है आपका सेकेंड टायर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो मेरा मानना ऐसे कि जिन लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया, जिनको पता है कि भाई मेरा इतने मार्क्स आ रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग प्रिपरेशन थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। और वैसे भी जब 5 नवंबर को अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो इसके बाद एटलीस्ट 1 मंथ का आपके पास टाइम मिलता है, एटलीस्ट 28 डेज का टाइम मिलता है आपको सेकेंड टायर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक 1 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो गया आपके सेकेंड टायर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने, उसमें तो सिर्फ लेटर राइटिंग ऐसे ही आने वाला है,
उससे ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं वहाँ पे, वही लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग यही सारी चीज़ें, बाकी कुछ और खास नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। मॉर्निंग के 5 AM एंड इवनिंग के 5 PM को आपको अच्छे तरीके से चेक करना है, चेक करना जो सुबह जल्दी उठ गया वो चेक कर लीजिए, जो नहीं उठ पाए वो आप तरीके से फ्रेंड वगैरह में आप जैसे भी आप अपना कोऑर्डिनेशन रखो और बता देना एक दूसरे को, ठीक है। वैसे स्मार्ट नौकरी चैनल आप एड्रेस जैसे इन्फॉर्मेशन रिजल्ट्स का आएगा तो आपको ये पहले सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन, एक नए एडवाइस और सजेशन के साथ में। कुछ भी अगर किसी को अभी भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर कमेंट्स कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।